एस क्लासेस में मैं आयुष शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में। दोस्तों हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में। मेरा मतलब है प्रेपोजिशन का पिछली बार जो वीडियो शो रही थी उसमें प्रेपोजिशन ऑफ टाइम का इन देखा था। इस वीडियो में हम ऑन और बाकी कुछ पार्ट्स भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते। देखो जो ऑन है वो सबसे पहले यूज होता है किसमें, सबसे पहले कहाँ यूज होता है, डेज के नाम के साथ यूज होता है। किसके साथ यूज होता है, डेज के साथ यूज होता है। जैसे मैंने बोला ऑन मंडे, ऑन ट्यूजडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ठीक है। इस तरह जितने भी डेज है ठीक है उनके साथ क्या लगेगा, ऑन लगेगा। ये बात अब क्लियर बैठा लो कि जितने भी डेज हैं उन सब के साथ क्या लगेगा, ऑन लगेगा, ठीक है। तो डेज के साथ मैं कह सकता हूँ ऑन लगेगा। डेट्स, डेट्स क्या होते दिनांक। दोस्तों ये बात बताऊं जितने भी डेट्स हैं जितने भी तारीख है वो सब पे ऑन लगता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑन 8 अक्टूबर 2007, तो यहाँ पे क्या, ये 8 अक्टूबर 2007 क्या एक डेट है, तो यहाँ पे क्या लगा, इसके साथ ऑन लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात है, यहाँ पे समझ में आ गई कि ऑन किस साथ लगता है, डे और डेट के साथ भी क्या लगता है, ऑन लगता है। अभी ये क्या है, डेज फॉलोवर्ड बाय पार्ट्स ऑफ डेज। हमने पिछले वीडियो में पार्ट्स ऑफ डेज पढ़े थे। किस क्या लगता है, आदम सब इन लगता है, आदम सब एट भी लगता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वही बात है, ऑन मंडे मॉर्निंग, ऑन टू मंडे इवनिंग, ऐसे देखो जहाँ पे भी डे क्या बोल रहा हूँ, जहाँ पे भी डे और पार्ट्स ऑफ डे, ये पार्ट्स ऑफ डे हो गया। साथ साथ वर्ड कहाँ पे भी कौन से सेंटेंस में डे और पार्ट्स ऑफ डे कहाँ भी साथ लग जाए, ऑन लगा देना, ऑन यहाँ पे लगेगा, ऑन ही लगेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। जहाँ पे भी आप क्या देख रहे हो, डे देख रहे हो वहाँ पे ऑन लगा, डेट देख रहे हो वहाँ पे ऑन, जहाँ पे भी आप डे देख रहे हो ना वहाँ पे ऑन लगता है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे डे लग रहा है, यहाँ पे भी ऑन लग रहा है, ये और ये बात एक ही, बस यहाँ पे ये बताया कि मंडे मॉर्निंग भी यहाँ पे जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो चलिए आपको ऑन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे लिख लिया है एट का यूज और फ्रॉम एंड टू का यूज। बिल्कुल हमने यहाँ पे देख रखे हो आप कि एट का यूज बस ये एट का यूज बिल्कुल थोड़ा सा है आपको, मैं बस ये बताना है, हाँ बस आपका एड का यूज ये है, समझ लीजिए एड का यूज बस ये है कि ये जो है ना ये टाइम को पॉइंट करने के लिए भी दर्शाता है। क्या करता है, ये टाइम को पॉइंट करने के लिए भी दर्शाता है। जैसे यहाँ पे मैं लिखा एट 9 AM, एट 10 PM, मैं लिख सकता हूँ एट 12 PM, कुछ भी लिख दो, ठीक है। जो जितने भी आपके समय होंगे पॉइंट को कौन दर्शाता है जी, एट दर्शाता है, पॉइंट को एट दर्शाता है, पॉइंट ऑफ टाइम को कौन दर्शाता है, एट दर्शाता है। और हमने एक और यूज पढ़ा जी हाँ दोस्तों, एक और यूज भी होता जो मैं लिखा नहीं बट मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये कुछ पार्ट्स ऑफ डे के साथ भी लगता है। जैसे चलो मैं लिख देता हूँ, ये कुछ किसके साथ लगता है, पार्ट्स ऑफ, इसका सेकंड यूज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सम पार्ट्स ऑफ डे, ठीक है। सम पार्ट्स ऑफ डे के साथ क्या लगता है, ये बिल्कुल लगता है। जैसे मैंने बताया आपको एग्जांपल में, मैं दू एग्जांपल देख लो इसका, एट नाइट, ठीक है, एट नाइट क्या लगा, इसके साथ एट लगा, ठीक है। तो ये सब कह सकते हो ये इसका सेकंड यूज है, ओके। तो ये इसके एट क्या मान लो, चाहे एक यूज मान लो, दो यूज मान लो, ठीक है। बट ये बता देना हमने जो पिछले वीडियो बनाई थी वो इम्पोर्टेंट है, वो भी दे देना, ठीक है। मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऐसे कमेंट्स में भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड हो गया। फ्रॉम एंड टू का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं छोटी सी बात लिखता हूँ, इस फ्रॉम को मैं लिखता हूँ स्टार्ट,
प्लस टू को मैं लिख देता हूँ एंड, बस ये हो गया आपका फ्रॉम एंड टू। जी दोस्तों, ये फ्रॉम एंड टू का एक्सप्लेनेशन है ना यहाँ पे खत्म हो चुका है। क्यों? ये फ्रॉम जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट को दर्शाता है। क्या? ये फ्रॉम जो है ये स्टार्टिंग स्टार्ट टाइम यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट को दर्शाएगा, और जो टू है ये है ना ये एंड टाइम को दर्शाता है। जो फ्रॉम ये स्टार्ट टाइम को दर्शाएगा, जो एंड है वो किसको दर्शाएगा, वो एंड पॉइंट को दर्शाएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा द गेस्ट लेक्चर इज फ्रॉम 2 PM टू 3 PM यानी कि देखो कब स्टार्ट कब हुआ, ये स्टार्ट यहाँ पे फ्रॉम का मतलब स्टार्ट होता है तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ, टू का मतलब एंड होता है तो यहाँ पे एंड हुआ। ठीक है, ये ऐसे इसका यूज होता है फ्रॉम एंड टू, टू का ऐसे यूज होता है स्टार्ट और एंड में। ठीक है, ओके, एंड और फ्रॉम एंड टू का आपको मतलब समझ में आया होगा। बहुत ईजी है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन बहुत ईजी है। ठीक है, तो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में ये थे अपने एट और फ्रॉम एंड टू, दोनों मैंने ऐसा समझा दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा जो मैंने पिछले बार लिखा था, पर बताना भूल गया यार, ठीक है माफ करना। और अभी बार मैंने एक और लिख दिया बाय। अभी सबसे पहले इस नोट में नजर मारती हूँ, ये नोट बहुत जरूरी। देखो यहाँ पे नोट में बोलता है कि कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगेगा इन तीन के वर्ड के साथ, इन तीन वर्ड के साथ लास्ट नेक्स्ट और दिस, इन तीन वर्ड के साथ आपका कोई भी प्रेपोजिशन काम नहीं करेगा। देखो एग्जाम्पल, लास्ट दिस नेक्स्ट, लास्ट वीक दिस मंथ या दिस वीक नेक्स्ट मंथ, किसी के साथ भी आपका प्रेपोजिशन इस सिचुएशन में नहीं लगेगा। ठीक है, नहीं लगेगा। अब आ जाओ इस बाय पे, बाय कुछ नहीं है, ये आपको सिर्फ आखिरी टाइम देता है। क्या देता है? ये आपको डेडलाइन देता है। डेडलाइन का मतलब यहाँ पे आपका आखिरी टाइम, आखिरी समय। ठीक है, आखिरी टाइम, लास्ट समय। मेरा मतलब है कि आपको देगा कि आपको इतने टाइम पर ये काम कंप्लीट करना है, वरना आपको दो यार बोलो, यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क बाय दिस इवनिंग। ये टीचर बोल रहा है बच्चे को कि आपका वर्क है ना ये नहीं तो कंप्लीट होना, बस आपको मतलब कि ये लास्ट डेडलाइन दे रहा है, ये आपकी डेडलाइन है कि आपको इवनिंग तक वर्क कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इस तरह बाय का यूज होता है, बाय का कहां पे यूज होता है, डेडलाइन यानी कि लास्ट मोमेंट, लास्ट टाइम पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखो यहाँ पे दोस्तों सबसे मुश्किल जो दो चीज़ें होती हैं वो आ चुकी हैं, यानी कि सिंस और फॉर। ये आपकी यहाँ पे मुश्किल देती है और आगे जाके मुश्किल देती है। क्यों? क्योंकि ये सेम सेम से लगते हैं, टाइम के साथ लगते हैं। यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँगा, ट्रिक दे रहा हूँ और समझा रहा हूँ। ठीक है, तो समझते रहिए मेरे साथ। चलो सबसे पहले आपको समझते हैं सिंस क्या होता है। व्हेन द एक्शन इज स्टार्ट, देखो ये देखो यहाँ देखो तो यहाँ पे जो एक्शन वर्ड है कि जो जो हम कर रहे हैं वो कब स्टार्ट हो रहा है यानी कब स्टार्टेड हुआ, इसलिए ये सिंस ये बताता है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं, परफेक्ट टेंस में ज़्यादातर यूज होता है, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस में ज़्यादातर ये यूज होता है। ठीक है, तो आप सीधे ये कह सकते हो कि जो सिंस है वो कहाँ यूज होता है, जब भी क्या नोट करता है, जब टाइम यानी कि जब हमने एक्शन स्टार्ट करा, कब हमने एक्शन स्टार्ट करा वो कौन बताता है, हमें सेंस बताता है। ठीक है, अच्छी तरह समझना। ठीक है, सेंस और फॉर मैं आपको मैं जो ये बताऊँगा ये तो आपको समझ में आएगा, बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, देखो जैसे मैंने लिखा व्हेन वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2002। ठीक है, तो हम कब से रह रहे हैं यहाँ पे, 2002 से रह रहे हैं। ठीक है, तो 2002 मतलब कि हम रह रहे हैं, मैंने ये नहीं बताया कि मैंने यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक रुका, नहीं मैंने सीधा बस ये बताया कि मैं यहाँ से 2002 से ले रहा हूँ, मतलब कि मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता था मैं 2019 से ले रहा हूँ। ठीक है, मतलब कि ये सिर्फ ये बताता है कि जब कब एक्शन जो है वो स्टार्ट हुआ। ठीक है, ओके, फोर क्या होता है, फोर है ना हमें टोटल ड्यूरेशन बताया, मतलब कि जब से स्टार्ट हुआ और जब कब अगर हम रह रहे हैं या फिर कब हम खत्म कर चुके। बस देखो जैसे ये जो ये भी परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ लगता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे बस ये देखो टोटल ड्यूरेशन, ये सब कुछ बता देता है कब, ये पूरी कुंडली बता देता है, पूरी पूरी जो कुंडली होती है ना वो बताता है कौन फोर। कैसे, देखो यहाँ पे देखो
वी हैव बीन लिव्ड हियर 18 ईयर, ठीक है, तो 4 क्यों लगा? क्योंकि 2002 से 2020 तक 18 साल हो चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 4 मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मैंने अपना टोटल ड्यूरेशन लगाया, 18 ईयर क्या है टोटल ड्यूरेशन, ठीक है, टोटल ड्यूरेशन है, क्यों है, क्योंकि हमें ये नहीं पता रहा क्यों से हमने स्टार्ट करा, हमें सीधा बता रहे कि हाँ 18 ईयर हो गए, मुझे पढ़ते हुए 2 घंटे हो गए, अभी मुझे ये नहीं पता कब से 2 घंटे हुए, ठीक है, कब से 2 घंटे हुए, बस मैं ये बता रहा हूँ कि मुझे 2 घंटे हुए, ठीक है, तो अभी इस ट्रिक पे, ये ट्रिक है, समय वार टाइम बताइए, 4 छोड़ के 6 लगाइए, यानी कि जब भी आपसे समय पूछा जाए, वार पूछा जाए, टाइम पूछा जाए, इस समय का मतलब कि समय और टाइम तो एक ही चीज हो गया, तो मैं इसको हटा देता हूँ, साल लगा दिया, माफ करना मैंने समय लिख दिया था, ठीक है, तो साल वार और टाइम जब से आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे 4 को हटाइए और 6 को लगाइए, ठीक है, 4 को लगाइए 4 को हटाइए 6 को लगाइए, ठीक है, ट्रिक बहुत अच्छी है कि साल वार टाइम बताइए, 4 छोड़ के 6 लगाइए, एग्जाम में बहुत काम आएगी, ठीक है, बहुत काम आने वाली है ये ट्रिक, बहुत इंपॉर्टेंट, जब से आपके साल पूछा जाए, बार पूछा जाए, टाइम जाने दिया गया, वहाँ पे सिंस 4 को नहीं हटाना, सिंस को हटाना, क्यों, क्योंकि हमने सीधे से सीखा कि जो ये 4 है ना, ये बता रहे कब से हम रह रहे हैं, कब तक, कब से हम पढ़ रहे हैं, बट ये बता रहे कब से हम रह रहे हैं, कब से हम, ये क्या बता रहे कब, मतलब कि अभी तक कितना घंटा हो गया, हम पढ़ते 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, ठीक है, बस ये बता रहे कि हमें ये बताया जाए, जैसे यहाँ पे हमें 10 से मानो यहाँ पर 3 घंटे हो गए पढ़ते हुए, तो ये 3 घंटे हो गए, 4 बताते हैं, और यहाँ पर सेंस करते हैं हमें 9 बजे से पढ़े, ठीक है, तो ये दोस्तों सेंस और 4 में अंतर होता है, और आज की वीडियो भी यहीं पर खत्म होती है, सैनिटाइज करते रहिए हाथों, सैनिटाइज बहुत जरूरी है कोरोना वायरस से बचना, और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले, आई वीडियो सपोर्ट, थैंक यू।